वही गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिव आदमी में। आज हम लोग माइनक्राफ्ट में एक इजीएस्ट गोल्ड फार्म बनाना सीखने वाले हैं। एंड गाइस, आज का शाउट आउट जाता है प्रो गेमर्स एंड एमडी रेहान को। अगर तुम लोग भी शाउट आउट चाहते हो तो इस वीडियो में कमेंट करना, जिसका भी कमेंट मेरे को सबसे ज्यादा चलेगा नेक्स्ट वीडियो में उसको शाउट आउट मिलेगा। बट वीडियो में जाने से पहले जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, एंड जो भी नए जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज यार, आ गए हैं हम लोग अपने वर्ल्ड के अंदर। एंड हम लोगों को गोल्ड फार्म बनाने के लिए जो भी सामान लगेगा वो सब आप लोगों को वीडियो में पता चल ही जाएगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो गाइज, सबसे पहले आप लोगों को दो ब्लॉक ले लेने होंगे टेम्परेली, एंड दो टेम्परेली ब्लॉक ऊपर आ जाना है। देन अब हम लोगों को यहाँ पर अपने हिसाब से पोर्टल बनाना होगा। तो गाइज यार, मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर एक पोर्टल बना लिया है। ये देखो, पोर्टल ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। एंड उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर से दोबारा से ब्लॉक ले लेने होंगे। देन किसी भी साइड को आप लोगों को ब्लॉक लगाने होंगे, बट उससे पहले आप लोग यहाँ पर पोर्टल को ओपन करोगे, देन उसको यहाँ पर तोड़ोगे। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जब ये हमारा पोर्टल ओपन हुआ तो जो हमारा ये पिगलिन था वो इस साइड को स्पॉन हुआ, तो हम लोगों को जो अपनी मशीन है वो इसी साइड को बनानी होगी। तो गाइज, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर से चार ब्लॉक इधर साइड में लगा देने हैं इस टाइप से। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर से ऑब्जर्वर, देन इस साइड को आके आप लोगों को एक बार ऑब्जर्वर लगाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो इसका एरो है वो उसी साइड को हो गया है। देन उसके बाद आप लोगों को इस साइड को आके यहाँ पर दो ऑब्जर्वर लगाने होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो ऑब्जर्वर लगा दिए। एंड उसके बाद तुम लोगों को इसको चारों तरफ से ब्लॉक से कवर कर लेना होगा। तो गाइस यार, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे ब्लॉक से भी कवर कर दिया है। एंड उसके बाद आप लोगों को ये जो इधर साइड वाले ब्लॉक दिख रहे हैं, इसमें आप लोगों को दो दो ब्लॉक की हाइट में आ जाना होगा। एंड गाइस, जो आप लोगों का पोर्टल साइड वाला एरिया है, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक, ऊपर वाले ही साइड में ब्लॉक फिल करने हैं, नीचे वाले में आप लोगों को ट्रैप डोर्स लगाने होंगे। एंड यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर ट्रैप डोर्स लगाने हैं, देन उनको खोल देना होगा। एंड गाइस, उसके बाद आप लोगों को डिस्पेंसर ले लेना है। देन यहाँ पर आप लोगों को डिस्पेंसर लगाना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर डिस्पेंसर लगाओगे तो डिस्पेंसर भी हमारे ये ऑब्जर्वर की वजह से यहाँ पर चालू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को सिंपली एक वाटर बकेट डाल देनी होगी। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर से ग्लास ले लेने होंगे। फिर जिस साइड ये है, इस साइड आप लोगों को एक ब्लॉक छोड़ते हुए आप लोगों को यहाँ पर ग्लास लगाना होगा। एंड तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ग्लास की भी एक छोटी सी वॉल बना दी है। अब जो हमारे पिगलिन स्पॉन होंगे वो डायरेक्ट हमारे जो किलिंग चैम्बर टाइप का हमने बनाया है, तो मतलब अभी वो डायरेक्ट यहीं पर ही जाएंगे, अभी हमने किलिंग चैम्बर नहीं बनाया है। एंड उसके बाद आप लोगों को पोर्टल के नीचे भी यहाँ पर ब्लॉक्स लगा देने होंगे। तो गाइस यार, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अच्छे से ब्लॉक वगैरह भी लगा दिया है। एंड उसके बाद आप लोगों को इस साइड में आ जाना होगा। देन यहाँ पर से आप लोगों को एक दो तीन चार पाँच छः और ये सातवां ब्लॉक। तो एंड गाइस, जो आप लोगों ने यहाँ पर सात ब्लॉक जो हमारे यहाँ पर तक आ रहा है तो यहाँ पर तक इसको रहने देना है। देन उसके बाद इस वाले ब्लॉक से हम लोगों को डिग करना स्टार्ट करना होगा। एंड गाइस, आप लोगों को इस साइड वाले ब्लॉक के वहाँ पर आ जाना है। देन यहाँ पर से आप लोगों को नीचे को डिग करना है, आप लोगों को 22 या 23 ब्लॉक नीचे तक डिग करना होगा। एंड गाइस, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ऊपर आ जाना है। देन यहाँ पर से आप लोगों को एक साइन बोर्ड ले लेना होगा। एंड हम लोगों को इस साइड को एक साइन बोर्ड लगा देना होगा ताकि हमारा जो वाटर है वो फ्लो नीचे फ्लो ना हो। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर सिंपली नीचे आ जाएंगे। देन यहाँ पर हम लोगों को डिग कर देंगे, आउटसाइड थोड़ा एरिया बना देंगे क्योंकि इस साइड हमारा हॉपर देन एक चेस्ट आने वाली है। आप लोग ज़्यादा चेस्ट भी लगा सकते हो। एंड तो कहते यार, यहाँ पर मैं अपनी डबल चेस्ट यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। देन इससे कनेक्ट करके जो मैं हॉपर भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारा जो ये कनेक्टिंग हो चुका है। एंड आप लोगों को यहीं पर से अपने लिए थोड़ा रास्ता टाइप का भी बना लेना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ऊपर देख लेना होगा, यहाँ पर आप लोगों को ऊपर देख लेना होगा कि आप लोगों का जो पोर्टल है किस साइड को है। जैसे हमारा इस साइड को पोर्टल का एरिया है तो हम लोगों को इस साइड को यहाँ पर डिग करना स्टार्ट करना होगा। एंड तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने लिए ऊपर नीचे जाने वाला रास्ता भी बना दिया है। देन मैं यहाँ पर से जब भी चाहूँ गोल्ड ले लेने तो यहाँ पर से जा सकता हूँ। एंड उसके बाद हम लोगों को जो वहाँ पर हमने एरिया बनाया था इस साइड में हम लोगों को यहाँ पर वाटर डाल देना है ताकि हमारे जो पिगलिन है वो इससे फ्लो होते हुए हमारे किलिंग चैम्बर में चले जाएँ। इस साइड को मैं वाटर डाल देता हूँ तो यहाँ पर से ये फ्लो होते हुए इस वाले एरिया तक आ जाएगा। देन जैसे ही कोई भी पिगलिन यहाँ पर आएगा तो ये सीधा वाटर से फ्लो होते हुए इधर तक जाएगा। देन यहाँ पर से वो सीधे नीचे गिर जाएगा, देख सकते हैं आप लोगों यहाँ पर गिर जाएगा।
एंड तो अब हमारे जो पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए हमें सामान चाहिए वो लावा चाहिए। हम लोगों को सिंपली यहाँ पर लावा डाल देना होगा डिस्पेंसर मतलब ऑब्जर्वर के ऊपर, हम लोगों को यहाँ पर लावा डाल देना होगा तो ये अब हमारा पोर्टल एक्टिवेट डीएक्टिवेट करता रहेगा। देन तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पोर्टल एक्टिवेट डीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर खुद ही हमारे पिगलिन वगैरह स्पॉन होंगे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर पिगलिन स्पॉन होना स्टार्ट हो गए हैं। देन तो अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर एफके करूंगा, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे नीचे जाके मर रहे हैं या नहीं। तो गाइस यार यहाँ पर हमारे जो पिगलिन है वो फॉल डैमेज से नहीं मर रहे हैं क्योंकि हमारी जो ये वाली हाइट है ये थोड़ी सी कम हो गई है। तो मैं इसको फटाफट से नीचे तक डिग करता हूँ, देन मैं यहाँ पर वापस से कलेक्टिंग सिस्टम बना के आप लोगों से थोड़ी सी देर में मिलता हूँ। तो गाइस यार यहाँ पर देख सकते हैं मैंने थोड़ा और नीचे तक डिग कर दिया है। देन अब जो हमारे सिस्टम है बिल्कुल ऑटोमेटिकली हो गया है। तो मैं अब सिंपल ऊपर जाके पोर्टल ओपन कर दूंगा एंड तो अब मैं सिंपल यहाँ पर लावा डालूंगा। देन हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर एफके करके देखेंगे कि हम लोग को एक दो मिनट में कितना दे देता है हम लोगों को गोल्ड। तो गाइज यार यहाँ पर लगभग मेरे को दो मिनट होने को आए हैं। देन आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारे सामने सामने में कितने सारे पिगलिन स्पॉन हुए। तो अब मैं यहाँ पर नीचे जाके देखता हूँ कि इसने हम लोगों को कितना गोल्ड अभी तक इकट्ठा करके दिया है। तो यार चलो अब अपनी चेस्ट में देखते कि इन्होंने हम लोगों को कितना गोल्ड दिया है दो मिनट में। तो गाइस यार यहाँ पर देख सकते हैं इसने हम लोगों को दो मिनट में एक स्टैक पूरा कंप्लीट, देन हमारा दूसरा स्टैक में इसने हम लोगों को 20 गोल्ड के इंगेट दे दिए हैं। तो गाइस यार अभी आप लोगों ने देखा कि ये वाला फार्म हमारा कितने अच्छे से वर्क करता है। एंड अगर तुम लोग इससे भी ज्यादा अच्छे से वर्क करने वाला फार्म बनाना चाहते हो तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग वहां से जाके वाला फार्म बना सकते हो। गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एंड गाइस तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से फॉलो कर दो यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।